Good evening, everyone. Somebody suggested me to tell you know something about how to choose a career. What career options do you have, and how you can choose a career for yourself? You know, it's a very good topic, so I thought I should speak something on this. See, a career is basically molded by many factors. You know, there is just not one factor. एक factor नहीं है, वहाँ पे कई factor हैं जो आपको which actually mold your career. The basic one is like this. First of all, there is a saying, you know, देश काल समय, which is very important. आप किस देश में पैदा हुए हो, किस time पर पैदा हो गए, okay? और किस देश काल, कैसा काल चल रहा था वो, कैसा युग था वो, और किस समय आप पैदा हो गए. For example, जो 1900 में पैदा हुए थे उन्होंने कंप्यूटर इंटरनेट नहीं देखे होंगे. 1901 में पैदा हुए उससे पहले ही मर गए कंप्यूटर कंप्यूटर आने से पहले. सो द पॉइंट इज कोई बूम आ गया सडनली, आप वहाँ पे करियर पे पहुंचे हो. मान लीजिए इंटरनेट बूम आ गया सडनली, देर इज सम बूम, कंस्ट्रक्शन बूम आ गया, रिटेल बूम आ गया. भाई देखिए, देर आर मेनी लेयर्स इन कॉन्शियसनेस, तो वो चीज़ों को बढ़ाते रहते हैं, उनका एक हिसाब है. सो दे डू थिंग्स लाइक दिस. सो आप किस टाइम पर कहाँ पर हो, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पता लगा वर्ल्ड वॉर वन चल रहा है तो जॉब थोड़ी मिलेगी, या वर्ल्ड वॉर टू चल रहा है 1945 में या 1940 में, तो आपको थोड़ी जॉब मिलने वाली है वहां पर. वहां तो जान बचाने का है, आपको सेना में भर्ती होना पड़ेगा. सो द पॉइंट इज, एक तो ये एक्सटर्नल कंडीशन है कि कहाँ पर आप पैदा हुए, देश काल परिस्थिति. द सेकेंड थिंग इज, आप किस घर में पैदा हो गए. पता लगा पापा का बिजनेस है आलू बेचने का, टमाटर बेचने का, तो आलू टमाटर ही बेचोगे, वही सोच में आएगा, वही सोचोगे हर समय, तो थिंकिंग विल बी सराउंडेड बाय दैट ओनली. सो नेचुरली आप वही बेचोगे आलू टमाटर. अब आप किसी बिजनेसमैन के यहाँ पैदा हो गए, सुनार के यहाँ, तो चांदी चांदी करोगे, तो चांदी बेचोगे. आप कुछ और कर ही नहीं सकते, मैं दावा करता हूँ. ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, मतलब अगर माइंड में उस भरी और आपका इंटरेस्ट उस तरह है. अब पापा फौजी है तो फौजी बनने की कोई सोच रहा है, कोई कुछ कर रहा है. मैक्सिमम बॉलीवुड में तो आप देख ही रहे कितना हो रहा है, कि कितना दे आर सेइंग दैट देयर इज टू मच ऑफ नेपोटिज्म डाउन देयर. तो करियर इससे भी इन्फ्लुएंस हो सकता है कि क्या पेरेंट्स क्या कर रहे हैं. मान लीजिए पिताजी पंडित हैं तो बेटा भी पंडित हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे हो. अब जो इसमें थर्ड फैक्टर आता है, एक तो बाहर के फैक्टर्स हो गए जो मैंने पहले बताया, दूसरे ये फैक्टर हो गए कि आप किस घर में पैदा हो गए, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आप खुद हो. वॉट इज योर इंट्रेंसिक मोटिवेशन, अंदर से आपको क्या कहा जा रहा है, ये अब एक इंपॉर्टेंट चीज है. हर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और बॉक्सर का बेटा बॉक्सर इसीलिए नहीं बनता क्योंकि वो अंदर से अलग होता है. अब व्हाट इज योर बेसिक कोर नेचर, व्हाट यू आर लाइकिंग. यू हैव अ लाइकिंग फॉर आर्ट्स, यू हैव अ लाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल, यू हैव अ लाइकिंग फॉर बायोलॉजी, तो आप डॉक्टर बनोगे. सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन हाउ व्हाट इज योर लाइकिंग. सो देयर आर बेसिकली थ्री कोर फैक्टर्स. One are the very, very fundamental and at macro level, but they are actually happening, you know. There are factors. So, अब एक war हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो उसका influence अलग है. एकदम से boom हुआ, TCS, Infosys आ गए, अलग boom है. ठीक है, Wipro, Microsoft आ गया, या Bill Gates आ गए. So, उसका एक अलग आपको फायदा हुआ. उससे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. देखिए, पूरा consciousness में छोटा मोटा चीज़ें होती रहती हैं. ये this is not a very big thing. अब आप उस समय वहां पे थे, आपको फायदा हो गया, ये गलत बात. उसके बाद थर्ड है आपका इंटरेस्ट कोर नेचर, कि आप क्या बनना चाहते हो. और इसमें बेस्ट चॉइस यही है कि जो आप खुद बनना चाहते हो. आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि आपके पापा कुछ कह रहे हो और आप कुछ करियर में कुछ और करना चाह रहे हो. सो उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, व्हाट यू फील फ्रॉम इनसाइड द हार्ट सेज, ओके, डू दैट, डोंट लिसन टू व्हाट योर माइंड सेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Mind will always make you go round and round and round like this, but the heart will always say the truth thing. Because भगवान जो है वो heart में रहते हैं और वो दिमाग में नहीं रहते. ठीक है, thank you.